Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas. Super Ideas में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया गया है। क्यों किया है ये रिजाइन, क्या कारण बताया है उन्होंने रेजिग्नेशन में, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 6 महीने से भी कम समय के बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और सूत्रों के द्वारा ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने एक पत्र लिखा और रेजिग्नेशन उनको सौंपा है और राज्य में संवैधानिक संकट से बचने के लिए इस्तीफा देने की पेशकश की है। क्या है ये संवैधानिक संकट, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संवैधानिक संकट, अगर हम बात करें तीरथ सिंह रावत की, तो इन्होंने त्रिविंदर सिंह रावत की जगह 10 मार्च को उत्तराखंड के सीएम के रूप में शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित विधायक नहीं थे, वो लोकसभा के अध्यक्ष थे, बल्कि पौड़ी गढ़वाल का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सांसद थे। तो वर्तमान में लोकसभा सांसद ही बने हुए हैं, वो अभी तक उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित विधायक नहीं है। तो इसी के चलते संवैधानिक संकट आया। कैसे, अगर हम बात करें अपने संविधान की, तो संविधान के अनुसार एक मंत्री या मुख्यमंत्री को शपथ लेने के 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना होता है। राज्य विधानमंडल या फिर विधानसभा, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद, दोनों सदनों वाले राज्यों में किसी भी दोनों में से एक हो सकता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कोई विधान परिषद नहीं है, इसलिए तीरथ सिंह रावत को 6 महीने के अंदर विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होना जरूरी था, जो कि वो अभी तक हुए नहीं। और उनके पास 10 मार्च से समय था 10 सितंबर तक का, यानी कि 6 महीने तक का उनके पास टाइम था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और ये संविधान में जो हमारा लिखा गया है, ये है हमारा आर्टिकल 164। तो संविधान के आर्टिकल 164 के अनुसार एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी मंत्री है, यह शर्त उन पर भी लागू होती है। अब बात करते हैं कि तीरथ सिंह रावत के मामले में उनके पास उपचुनाव के माध्यम से उत्तराखंड विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए 10 सितंबर तक का समय था, लेकिन उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया। क्यों, क्यों 10 सितंबर का समय होते हुए भी संवैधानिक संकट उत्तराखंड में आ सकता था? तो मौजूदा कोविड-19 स्थिति और चुनाव आयोग और केंद्र को इस साल की शुरुआत में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और उपचुनाव कराने की संभावना भी गंभीर थी। उपचुनाव हो सकता था अगर 1 साल से ज्यादा का समय होता। उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव फरवरी मार्च में होने वाले हैं और अभी चल रहा है जुलाई, यानी कि समय 1 साल से भी कम है चुनाव में। तो इस केस में उपचुनाव के लिए परमिशन लेनी होती है चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग को पहले ही कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा जब उसने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव करवाए थे। तो इस टाइम पे उम्मीद कम थी कि जो अप्रूवल है वो मिलेगा। तो अगर तीरथ सिंह रावत 10 सितंबर तक उत्तराखंड विधानसभा के लिए निर्वाचित नहीं होते हैं तो राज्य में संवैधानिक संकट आ जाएगा। ऐसे परिदृश्य में क्या होगा, इसके बारे में बहुत कुछ ग्रे क्षेत्र है। सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड में इस अनिश्चितता से बचने के लिए जहां अगले साल चुनाव होने हैं, भाजपा के पास तीरथ सिंह रावत की जगह एक नए मुख्यमंत्री के साथ एक रास्ता होगा, क्योंकि अगले चुनाव होने में अभी समय है। ऐसा करने से 6 महीने की शर्त खत्म हो जाएगी, वरना 3 ऑप्शन बचते थे। पहला ऑप्शन ये जो कि भाजपा ने चुना है कि तीरथ सिंह रावत की जगह नए मुख्यमंत्री को लाया जाए। दूसरा था कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। तीसरा था कि आप जो है क्या करते कि उपचुनाव करवाते, जिसकी की उम्मीद कम है कि चुनाव आयोग से जो है अप्रूवल मिलता। तो जेपी नड्डा को लिखे गए अपने पत्र में तीरथ सिंह रावत ने अनुच्छेद 164A का जिक्र किया है, जिसमें 6 महीने की शर्त का जिक्र है। उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि वे राज्य में संवैधानिक संकट से बचने के लिए इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे थे। तो अनुच्छेद 164(4) में उल्लेखित 6 महीने की शर्त के अपवाद है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A में भी कहा गया है कि राज्य में उपचुनाव 2 स्थितियों में होने की आवश्यकता नहीं है। कब कब, एक रिक्ति के संबंध में एक सदस्य की शेष अवधि 1 वर्ष से कम है, जो कि अभी यहां पर है। तो चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से ही प्रमाणित करता है कि उस अवधि के भीतर उपचुनाव करवाना मुश्किल है।
तो ये थी दोस्तों अपडेट, जिसमें कि दो आर्टिकल का जिक्र हुआ, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 151। आई होप आप लोगों को ये दोनों आर्टिकल समझ आ गए होंगे और तीरथ सिंह रावत ने क्यों किया है इस्तीफा ये भी आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों इसी तरीके से सारी वीडियोज आप देखते रहिए, आपको राजनीति में भी अच्छे से दिलचस्प आने लगेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है, घंटी का निशान दिख रहा है, उसको भी जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।